हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस नेक्स्ट वीडियो. दिस इज द वीडियो सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 4, एनिमल किंगडम. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइलम टीनोफोरा. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस फाइलम वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द डिफरेंट फीचर, सेलियंट फीचर ऑफ द टीनोफोरा. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट व्हाई द नेम इट नेम्ड एज टीनोफोरा. सो टीनोफोरा मीन्स टीने और टीनोज. टीनोज मीन्स द कॉम्ब, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर और कॉम्ब. ओके, एंड फोरा मीन्स बियरिंग. फोरा मीन्स बियरिंग. डियर स्टूडेंट्स, हियर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ टीनोफोरा इज टीनोफोरा, बट द इन राइटिंग सी इज साइलेंट. ओके, हेयर के इज साइलेंट बिकॉज इट इज द ग्रीक टर्म एंड द टीनो इट इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक टर्म टीनोज. ओके, टीनोज मीन्स कॉम्ब एंड फोरा मीन्स बियरिंग. सो दीज एनिमल्स बियर्स द कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हाउ? सपोज दिस इज द इंडिविजुअल, सपोज हेयर दिस इज द इंडिविजुअल एंड दीज आर द कॉम्ब लाइक, 8 कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट हेयर. ओके, सो दीज आर 8 कॉम्ब प्लेट्स. सो लाइक कॉम्ब टीथ हेयर यू आर लुकिंग. सो लाइक दिस वन, दीज हैव द 8 कॉम्ब प्लेट. सो दैट इज वाई दीज इंडिविजुअल आर नोन एज वट? दीज इंडिविजुअल आर नोन एज द टीनोफोर्स एंड दे आर प्लेस्ड इन द कैटेगरी और फाइलम दिस इज टीनोफोरा. गॉट इट? सो लेट्स डिस्कस सेलियंट फीचर ऑफ दिस कैटेगरी और दिस फाइलम. सेलियंट फीचर्स. सो वॉट आर द सेलियंट फीचर? फर्स्ट हैबिटाट. डियर स्टूडेंट्स, हैबिटाट ऑफ दिस एनिमल इज वॉट? इनका हैबिटाट जो होता है मरीन हैबिटाट होता है. मोस्टली मरीन हैबिटाट में प्रेजेंट रहते हैं और ये वाटर में फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी कि वाटर में तैरते रहते हैं. दूसरा, अब बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल. ओके, टिश्यू लेवल, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट दीज इंडिविजुअल आर अराइव फ्रॉम द फाइलम सिलेंटेटा. दैट इज वाई दीज ऑल्सो हैव द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल. नेक्स्ट वन इज वट? देयर बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री. सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द रेडियल सिमेट्री, बायलेटरली सिमेट्रिकल. बाई लेटरली सिमेट्रिकल एंड द जर्म लेयर्स आर फाउंड इन दिस. जर्म लेयर्स आर टू, दैट इज वाई दीज आर डिप्लो ब्लास्टिक. सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल दे आर. नेक्स्ट वन इज वट? सीलोम. बॉडी सीलोम या और बॉडी कैविटी. बॉडी सीलोम इज एबसेंट. बॉडी सीलोम इज एबसेंट. सो दैट इज वाई डियर स्टूडेंट्स दे डोंट हैव द बॉडी कैविटी. ओके, नेक्स्ट वन इज द बॉडी सेगमेंटेशन. बॉडी इज ए सेगमेंटेड. ए सेगमेंटेड. सो ए सेगमेंटेड बॉडी इज फॉर्म. एंड नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस द सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन दिस एनिमल. सर्कुलेशन इज एब्सेंट एंड द एक्सक्रीशन ऑल्सो अकर्स थ्रू द बॉडी सरफेस. एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस. नेक्स्ट वन इज दीज एनिमल्स हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट. सो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड. ओके, नेक्स्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो रिप्रोडक्शन अकर्स इन टू वेज. वट? ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके,
So reproduction, the reproductive parts are found in these animals. So these may dioecious or monoecious. Okay. So sexuality of these animals dioecious or monoecious. Next one, the fertilization occurs. Fertilization, because they are living in water, so that is why the fertilization is external fertilization. External fertilization. External fertilization is found. Dear students, the body skeleton. Body skeleton. Skeleton is, you know, we are looking the 8 complements are formed. So the exoskeleton. Exoskeleton. Okay. Next one is the development. Development, dear students. Development. I want to tell you, this is the new point we forgot to discuss in Porifera and Coelenteta also. The development, it is the formation of individual or the formation of adult directly after egg hatching or the getting birth, or between the, or it happens through the stages. Okay, just like larva, pupa. Okay, so if any type of intermediate stage is formed in the individual or in animal, the development is indirect. Or if the any intermediate stage is absent, then this development is direct development. So Porifera, Coelenteta and Ctenophora also, they have the indirect development, because they have the what? Indirect development, because they have the larva. Okay, larva in their life cycle. So if they have larva in their life cycle, then the development is indirect development. Got it? Next one is, dear students, next one and most important thing I want to tell, that one important thing, that the complets are formed. So that is why these animals are also known as the comb jellies. Comb jellies. So comb jellies, they are called due to the presence of jelly like body and having these comb plates. Okay, and also, dear students, they performing the luminescence process, bioluminescence. Bioluminescence process, it happens in this one, because these comb plates, when these teeth of the comb, they rotate and they moves, they reflect the sunlight. Okay, and they having the chemicals, the bioluminescent chemicals, these absorb the light in daytime and they emit the light in during night. So that is why they have the bioluminescence process, just like the what? Just like the firefly, you know. So this is the advanced feature of these animals. And what are the example? Example are Ctenoplana. So Ctenoplana and Pleurobranchia. Pleurobranchia. So Pleurobranchia and Ctenoplana, these are the example of this phylum. Got it? Dear students, this is all about of the phylum Ctenophora. Nothing more things are asked from this phylum, but these are 3 or 4 points we have discussed. Comb like complets, how many complets are formed? 8 complets. And the comb jellies is the common name of which phylum animal? Ctenophora. And bioluminescence process is occurs in the animal of which phylum? The Ctenophora. And what are the example? Ctenoplana and Pleurobranchia. These are the name may given in your question, and there may be asked that they belongs to which phylum. Okay, so this is the new phylum. It is arise from the what? Coelenteta. Got it? So dear students, it is enough for this video. If any confusion or doubt, you can ask me on personal WhatsApp number. If you didn't subscribe my YouTube channel, please subscribe it. Thank you for watching.